नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्राचीन मंदिरों के सुंदरीकरण व विकास के संबंध में समाज सेवी भाजपा नेता धीरेन्द्र अवस्थी ने उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार को 11 नवंबर 2022 को एक लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि हमारे ग्राम पंचायत रामगढ़ में विभिन्न प्राचीन पौराणिक मंदिर जैसे राम जानकी मंदिर पहला आश्रम विकास खंड गोंदलामो, श्री महाश्री ठाकुर द्वारा आश्रम रामगढ़ विकास खंड गोंदलामो, ब्रह्मदेव धार्मिक स्थल रामपुर वन का विकास खंड गोंदलामो, विष्णु भगवान मंदिर व ब्रह्मदेव धार्मिक स्थान गोविंदपुरा विकास खंड गोंदलामो जिनका सुंदरीकरण विकास कराना नितान आवश्यक है। इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर 18 नवंबर 2022 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र के माध्यम से समाज सेवी भाजपा नेता धीरेन्द्र अवस्थी को प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं व क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।